नमस्कार, मैं आचल लोखंडे। महाराष्ट्र टीवी 24 के रैपिड फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ खास सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में लॉकडाउन अटल, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना तेज हो गई है। कुछ बिहार में 72 घंटे तक नेताओं पर रोक, बंगाल चुनाव में चौथे दौर के मतदान के दौरान कुछ बिहार में हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। चुनाव आयोग ने किसी भी नेता को अपने 72 घंटे तक जिले के सीमा में घुसने पर रोक लगा दी है। म्यांमार में 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, म्यांमार में सुरक्षा बलों ने सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर लोगों पर कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बल ने राइफल ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिसमें 182 प्रदर्शनकारी मारे गए। रियाजुद्दीन काजी गिरफ्तार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास से मिले विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मामले में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के सहायक पुलिस निरीक्षक रियाजुद्दीन काजी को गिरफ्तार कर लिया। अनिल देशमुख के 2 पीए से पूछताछ, सीबीआई ने रविवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 कर्मचारियों से पूछताछ की। छहडोल और अनुपुरम में भूकंप, एमपी के अनुपुरम जिले में 12:54 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो वहीं छहडोल के भूकंप के कारण लोग अपने घर से बाहर निकल आए। नोएडा के झुग्गियों में लगी भीषण आग, रविवार दोपहर में नोएडा में भीषण आग लग गई। आग थाना फेज 3 क्षेत्र के सेक्टर 63 स्थित बहलोलपुर के झुग्गियों में लग गई, इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। टीआरपी स्कैम में भी अब एपीआई सचिन वाजे का नाम। एंटेलिया केस और मनसुखी मर्डर केस के बाद अब सस्पेंड में चल रहे मुंबई के पुलिस अफसर सचिन वाजे का नाम फेक टीआरपी के में भी सामने आया है। मोदी के क्षेत्र में फिर एनएसयूआई का परचम, वाराणसी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में रविवार को हुए चुनाव में तत्काल बाद घोषित परिणाम के अनुसार एनएसयूआई पैनल के सभी प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए। अक्टूबर तक 5 नई वैक्सीन, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीन संकट के बीच एक राहत देने वाली खबर आई है। देश को अक्टूबर तक 5 और वैक्सीन मिल सकती है। इसी के साथ यही रुकते हैं, देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।